हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। गाइस आपको पता नहीं पिछले एपिसोड में हम लोग ने गाइस ना गाइस द गन बॉस का भाई सारा का सारा ना गाइस सोना की ना जैसे जो भी गोल्ड की कार थी सब कुछ चुरा लिया। एंड ना गाइस हम लोग ने यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर मंगाया गाइस, आपको पता है अभी ना गाइस माइकल प्रेसिडेंट है। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट गाइस यहाँ पर ना एक न्यू हेलीकॉप्टर मंगाया भाई गोल्डन वाला गाइस, देख रहे हो यहाँ पर ना गाइस सारे के सारे ना गाइस कम्युनिटी वाले बंदे आए हुए एंड जो भी भाई गवर्नमेंट के लोग हैं ना सब कुछ भाई यहाँ पर ना गाइस प्रेसिडेंट के लिए भाई माइकल दी प्रेसिडेंट, आपको पता है माइकल दी प्रेसिडेंट के लिए हेलीकॉप्टर नहीं दिया था गवर्नमेंट ने, अभी ना गाइस जाके ना हमको गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर दे दिया है। अभी फटाफट से हम लोग इसको देखने वाले, यहाँ पे पायलट भी आएगा, इस खतरनाक वाला सीन हो चुका है। एंड हम लोग ना अभी डगन बॉस को भी बताने वाले कि क्या सीन है एंड उसका भी काम खत्म करेंगे। तो यार यहाँ पर ना गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पर ना गाइस FBI वाले आ चुके हैं। ठीक है भाई FBI वाले पता नहीं क्यों आ गए भाई, मेरे को ना बोल रहे जल्दी से ना आप लोग भाई वो कर दो, हैंड्स कर दो भाई, हैंड ऊपर कर दो भाई फटाफट से ना भाई। यहाँ पे देख रहे हो भाई, मतलब भाई यहाँ पे FBI वालों ने रेड कर दी मेरे पे, पता नहीं भाई मतलब मैं प्रेसिडेंट हूँ और बोल रहे कि आप जल्दी से ना आपको जेल में जाना पड़ेगा एंड आपके ऊपर जितने भी क्राइम्स है ना भाई वो सब कुछ रिवील हो चुका है एंड सब कुछ आप प्रेसिडेंट कैसे बने हो सब कुछ हमें पता चल चुका है ना, अभी आपको ना जेल में डालना पड़ेगा। एंड भाई यहाँ पर ना प्रॉब्लम हो चुकी है गाइस, अभी FBI वाले को पता नहीं गाइस कैसे पता चल गया हम लोग ने ना गाइस जब प्रेसिडेंट चल रहा था हम लोग ने सारे जितने भी लोग थे ना सबको मार दिया था, आपको पता ही है। एंड जितने भी गाइस खड़े थे ना कैंडिडेट सबको हमने मार दिया था एंड हमने हैकिंग करके ना गाइस सारा गाइस जितने भी वोट्स है हमारे नाम कर ली थे लिस्टर के नाम से, बट यहाँ पर ना गाइस इनको पता नहीं कैसे पता चल गया। एंड FBI वाले बंदे देख रहे हो गाइस इन्होंने हमको गाइस पूरा मतलब बोल रहे हैं कि भाई आपको ना अरेस्ट कर दिया जाता है ना, अभी जल्दी से ना भाई मुझे बोल रहे कि कार में चला जाओ भाई वरना फायर कर सकते हैं भाई, क्योंकि ना उनको लगता है भाई सारी ना गाइस बात पता चल चुकी है। एंड यहाँ पर ना गाइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो चुकी है, मतलब अभी हम लोग प्रेसिडेंट आपको पता ही है, अभी हमको ना गाइस डगन बॉस को भी यार गाइस खात्मा करना था, बड़े अब डगन बॉस थे यार अभी यार अभी पता नहीं कुछ कुछ नया निकल चुका है। एंड यहाँ पे मेरी इतनी खतरनाक वाली सिक्योरिटी लगी थी ना देख रहे हो भाई, एक ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आया था गाइस एंड भाई उसको भी यार मतलब चलाने से पहले ही गाइस मेरे को अरेस्ट कर दिया भाई, मतलब प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर दिया मतलब यार गाइस। बट चलो कोई ना यार गाइस हम लोग अभी यार हमको अभी कैसे भी कैसे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सारी मेरी जो प्रोटेक्शन है अभी सारी जाने वाली है, क्योंकि ना अभी यार गाइस यहाँ पे आप देख ही लोगे मतलब ये सारी स्वाइट प्रोटेक्शन भी है भाई वो भी मेरी नहीं रही अब भाई। बोल रहे कि गाड़ी में बैठ जाओ, फटाक से मैं गाड़ी में बैठ गया चलो। एंड यहाँ पर ना भाई पता नहीं मेरे को कौन से जेल में लेके जाने वाले एंड भाई यहाँ पर ना गाइस आई होप कि मेरे कुछ ज़्यादा कुछ मेरे को ना करे एंड पता नहीं यार कोई मेरे को बचाने के लिए आएगा कि नहीं पता नहीं गाइस, लेस्टर गेस्टर को पता तो चल ही जाएगा वैसे तो, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस जो भी कैमरे लगे ना वो लेस्टर के सीक्रेट ना सीक्रेट बेस पे पूरा ही कनेक्ट है, जितना भी यहाँ पे जो भी मोमेंट होती है उसे सारा ना गाइस पता चलता है भाई। ठीक है ना गाइस, तो अभी यहाँ पर भाई पता नहीं मेरे को कार लेके जा रहा है, देख रहे हो भाई यहाँ पे FBI का ऑफिसर बैठा है भाई, पता नहीं यार उनको कैसे पता चला भाई, किसने उनको बताया भाई, क्या सीन है भाई, कुछ गड़बड़ लग रही है मतलब इतनी खतरनाक वाली सिक्योरिटी लगी थी ना भाई, मतलब किसी कुछ पता भी नहीं था भाई। ये देख रहे हो भाई खतरनाक वाले भाई स्वैट प्रोटेक्शन भी पीछे भाई, यहाँ पर देख रहे हो भाई भाई मतलब क्या ही सीन है भाई, यहाँ पर माइकल दी प्रेसिडेंट के साथ स्कैम कर दिया मतलब गाइस। चलो कोई बात नहीं, हम लोग को यार अभी गाइस हम लोग को ना यार अभी प्रेसिडेंट बन के वैसे ही बहुत ज़्यादा ही प्रोटेस्ट हो रहे थे शहर में, आपने पिछले एपिसोड में देखा ही है भाई खतरनाक वाले ना पूरे शहर में भाई प्रोटेस्ट हो रहा था भाई। एंड भाई इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे ना भाई, आप जाके देख सकते हो पिछले वाले वीडियो में यार, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार गाइस, लाइक कर दो एंड भाई सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो इतने मेहनत से बना रहा हूँ बट लाइक नहीं करते आप लोग यार, दिल से बुरा लगता है भाई, लाइक कर देना। एंड यहाँ पर ना फटाफट से ना हम लोग पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं।
तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पर ना गाइस पता नहीं भाई, यहाँ पर फ्रैंकलिन आ गया मेरे को बचाने के लिए। एंड भाई यहाँ पर सारे एफबीआई के ऑफिसर को मार दिया भाई। यार ये फ्रैंकलिन ने क्या काम कर दिया भाई, मतलब कसम से भाई, पीछे इतनी ज़्यादा ना गाइस सिक्योरिटी टाइट है भाई, इतनी ज़्यादा पुलिस वाले भाई। इसने पता नहीं कैसे भाई, इसने मुझे बोल रहा है कि इसने मुझे बोला है कि मैं आपको रास्ते में देखा, इन्होंने आपको ना गाइस पकड़ के लेके जा रहे भाई। उन्होंने डायरेक्ट फायर कर दी भाई, उसको पता तक नहीं था कि यार मेरे को ना गाइस अब ये लेके जा रहे हैं अरेस्ट करके, बट इसने मेरे को देख लिया। एंड भाई यहाँ पर ना गाइस उसने डायरेक्ट फायरिंग कर दी, वो भी भाई मेन ऑफिसर पे फायरिंग कर दी एफबीआई के। यार फ्रैंकलिन भाई क्या करता है भाई, कम से कम भाई मारता तो नहीं उनको अभी, और इतने ज़्यादा भाई इस मर्डर चार्जेस हो जाएंगे, क्योंकि पहले पुलिस वाले हमारे ना गाइस प्रोटेक्शन के लिए पीछे यहाँ पर आ रहे थे भाई। अच्छा हो यहाँ पर हम लोग बच चुके भाई, यहाँ पर देख रहे ना गाइस यार बहुत ज़्यादा ही गंदा वाला सीन हो चुका है। एंड फ्रैंकलिन ने भाई पूरा काम बिगाड़ दिया, मतलब अगर बच जाता मैं पता नहीं बच पाता कि नहीं, बट चलो कोई ना, मैं यहाँ पर बच चुका भी ना यार। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुलिस आने वाली है, क्योंकि हम लोग ने यार गाइस पीछे पहले हम पूरा पुलिस वाले फॉलो कर रहे थे, इसने डायरेक्ट ना भाई भाई डायरेक्ट ड्राइवर जो भी था भाई एफबीआई ऑफिसर को भाई दोनों को गोली मार के ना भाई काम तमाम कर दिया। एंड भाई फटाफट से मैं इनको सबको मारना ही पड़ेगा, इसे यहाँ पर ना जल्दी जल्दी सबको मार देते। एंड भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन अभी है जितनी खास नहीं है। एंड यहाँ पर हम लोग को भाई निकलना पड़ेगा। एंड फ्रैंकलिन ने भाई प्रॉब्लम में डाल दिया। एंड यहाँ पे देख रहे हो भाई, यहाँ पर ना गाइस कुछ ज़्यादा ही पुलिस वाले आ चुके हैं भाई, भी गाड़ी भगानी पड़ेगी यार गाइस खतरनाक वाली भाई। ये देख रहे हो भाई गाड़ी भी क्या है भाई, भाई एक्सीडेंट हो रहा है भाई खतरनाक वाला। ऊपर से यार गाइस अभी बहुत गंदा वाला टाइम शुरू हो गया माइकल का गाइस, क्योंकि ना अभी प्रेसिडेंट लाइफ चल रही थी भाई, सब कुछ आ रहा था। एंड भाई पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे थे, अभी ना यार गाइस हमारे पास प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई गैंग है। अभी हम लोग अकेले पड़ चुके हैं, मतलब माइकल के पास आपको पता ही गैंग है नहीं, गाइस कुछ भी नहीं है। एंड पहले हम लोग स्वैट प्रोटेक्शन से ना भाई डगन बॉस से बच रहे थे, अभी तो यार वो डगन बॉस को पता चल गया होगा, आई होप कि इसको पता ना चले। वैसे पता तो चले गया होंगे, क्योंकि हम लोग प्रेसिडेंट है यार, मतलब इतनी बड़ी प्रोटेक्शन चली गई भाई, स्वैट प्रोटेक्शन चला गया तो भाई मतलब क्या ही बोल सकते हैं अभी तो यार हमको भाई। पहले गाइस हम लोगों ने गाइस रशियन माफिया से पंगा लिया हुआ है, डगन माफिया, मैक्सिकन गैंग भाई, तीन तीन गैंग है, और एक हमारी गैंग है गाइस वो माफिया बॉस, वो हमारा भी फ्रेंड है, बट वो अभी ना गाइस आउट ऑफ कंट्री है, तो उसको भी हम हेल्प नहीं ले सकते अभी। हमको ना गाइस कैसे भी करके, वो भाई ये देख रहे हो भाई क्या सीन है भाई, ओ भाई भाई कितनी खतरनाक वाला स्टंट मार रहे हैं भाई, ये क्या है भाई, भाई यहाँ पे ज़्यादा ही खतरनाक वाले भाई यहाँ पर ना क्या ही चेस कर रहे हैं मेरे को देख रहे हो भाई, ये पुलिस वाले के कमांडो है भाई, भाई क्या ही चेसिंग कर रहे हैं भाई खतरनाक वाली यार गाइस, देख रहे हो ना भाई। भाई फटाफट से अभी ना टायर पंचर हो चुका है मेरी गाड़ी के, देख रहे हो भाई मेरे सामने का ना टायर का पंचर हो चुका है, वो गाड़ी पलट नहीं रही, ठीक है भाई गाड़ी बिल्कुल भी पलट ही नहीं रही भाई। ओ भाई ये देखो भाई किसने भी ठोक दी पता नहीं, इसके भी टायर पंचर दे गया भाई, अभी उतरना पड़ेगा, गाड़ी चल नहीं रही, चलो इसको मार दो भाई, ये देख रहे हो भाई टकला ऑफिसर भाई भी ले लो भाई। फ्रैंकलिन ने भाई यार क्या करता भाई, फ्रैंकलिन थोड़ा सा यार प्लान प्लान समझ के लेस्टर के पास जाता, फिर उसके पास हेल्प करता ना यार, डायरेक्ट अटैक कर दिया, मतलब एफबीआई ऑफिसर को मार दिया भाई, मतलब खत्म है भाई। ऊपर से पहले पीछे वाले पुलिस है, अभी यहाँ पर और ज़्यादा है पुलिस वाले भाई, ये देख रहे हो भाई, ये देखो भाई हेलीकॉप्टर भी आ गया अभी तो यार, अभी फटाफट से ना कैसे भी निकलना मुश्किल लग रहा है अभी हम लोग को, यहाँ से ना कैसे निकलना पड़ेगा, चलो इधर से चले जाते। एंड फटाफट से ना भाई देख तो फटाफट से भाई गाड़ी ना भाई चल नहीं रही भाई, यहाँ पर इसके सारे गाइस भाई देख रहे हो पंचर हो रहे हैं भाई, क्या पुलिस है भाई, देख रहे हो सामने वाले का टायर भाई बिल्कुल निकल चुका, ओ भाई क्या एक्सीडेंट हुआ भाई, उसका शरीर फूट गया गाइस। एंड यहाँ पर ना भाई कैसे भी करके ना यार कैसे भी यहाँ पर हमको निकलना है। एंड भाई इधर चलो भाई फटाफट से ना भाई अभी निकलना, भाई कोई भी सेफ जगह निकल जाता हूँ भाई, अभी नहीं यार भाई हम लोग गाइस ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाले सेंजर सिचुएशन में, अभी पुलिस वाले भी हमको ढूंढने वाले, डगन माफिया एंड रशियन माफिया एंड मैक्सिकन गैंग भाई चार चार अभी ना गाइस हम लोग को सामना करना है भाई, मुझे लग नहीं रहा अभी कोई मेरी हेल्प कर पाएगा भाई, अभी पता नहीं यार कैसे हम लोग ये सिचुएशन से बाहर निकलने वाले। पहले तो मेरे को यहाँ पे गाइस शहर से ही बाहर निकलना पड़ेगा अभी तो। एंड भाई फिर मैं उसको जाके कुछ सोचता हूँ। एंड यहाँ पर ना भाई खतरनाक वाली पुलिस पीछे लगी भाई, देख रहे हो भाई खतरनाक वाली पीछे पुलिस लगी है ब्रो। एंड भाई यहाँ पर गाइस देख रहे हो भाई, भाई यहाँ पर गाइस देख रहे हो यहाँ पर कोई मेरे को दिख नहीं रहा, चलो चलो इधर चले जाते हैं। एंड फटाफट से ना भाई इधर पीछे मेरे को कोई दिख नहीं रहा भाई, भाई कोई भी नहीं है क्या यहाँ पर, भाई यहाँ पर कोई भी लग रहा हो भाई, देखो सामने भाई, सामने भाई आ गए भाई, आ ही रहे भाई, भाई आ ही रहे भाई, आ गए मेरे को लग रहा कोई नहीं है भाई, भाई इनको भी मारना पड़ेगा यार गाइस, इनको भी मारना ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, फटाफट से यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। एंड भाई चलो यार फटाफट से गाइस देख लेते हैं क्या सीन है। एंड आई होप कि कोई हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए भाई, अभी ना हमको लग नहीं रहा हम लोग बच पाएंगे भाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है भाई, मेरे को लग नहीं रहा कोई हमसे बच पाएगा। अरे भाई सामने ड्राइवर है भाई, ड्राइवर को ठोक दिया मैंने यार, मेरी गलती से ड्राइवर को ठोक दिया भाई, ड्राइवर क्या कर रहा है यहाँ पे भाई, ड्राइवर भाई सॉरी भाई, ड्राइवर को ठोक दिया यहाँ पर, ये क्यों कौन सी गैंग है भाई, भाई ये ड्राइवर की गैंग है क्या भाई, लोल यार ये ड्राइवर हमको बचाने के लिए आया था, मैंने उसी को ठोक दिया।
भाई ये ड्राइवर की गैंग आ चुकी है भाई, मतलब यार ये पुलिस वालों से कैसे बचेंगे यार। बट चलो यार इनको भाई मास्क पहन के आया भाई, पता नहीं कौन सी मास्क लेके आया भाई। और भाई मैंने ड्राइवर को ठोक दिया था भाई, कसम से भाई गुस्सा ना हो जाए और तेरे को ना मार दे भाई। चलो यार हम लोग यहाँ पर गाइस गैंग्स थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ना गाइस खतरनाक वाला सीन है भाई, पुलिस वालों से फाइट करनी पड़ रही है। बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत ही सही मेरे भाई का, इस खतरनाक वाला सीन है भाई। हेलीकॉप्टर भी भाई यहाँ पर, भाई इसको मार देता हूँ भाई, इसको नहीं मारेंगे जब तक ये लोग ट्रैक करते रहेंगे हम लोग भाई। खतरनाक वाली फाइट है भाई, मेरे पास लॉन्चर भी है, चलो भाई इसको भी निकाल देता हूँ भाई, खत्म है भाई, तू भी चले जाए भाई। एंड यहाँ पर ना मेरे भाई यहाँ पर फटाफट से भाई यहाँ पर फटाफट से ना गाइस देख रहे हो भाई, यहाँ पर गाइस सारे प्रोटेक्शन वाले भी पुलिस वाले मेरे को भी नजर भी नहीं आ रहे। और भाई इन्होंने पता नहीं कौन से वेस्ट करके भाई इतना खतरनाक वाली फायरिंग कर रहे हैं ना भाई, ड्राइवर वाली गैंग पता नहीं कौन सी भाई कब गैंग बना लिया इसने भाई। देख रहे हो भाई सामने ना भाई मास्क पहन के आया भाई, बिल्कुल भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, भाई खत्म है भाई, मतलब देख रहे हो भाई पुलिस वाले नजर तक नहीं आ रहे भाई, मेरे पास अभी चांस ही निकलने का भाई। भाई सब कुछ घेर लिया भाई इन्होंने भाई, देख रहे हो भाई क्या ही बात है यार, मतलब ड्राइवर भाई पता नहीं यार किस किस को कैसे पता चला है, कहां से आया भाई, कहां से टिपका भाई। भाई सही वाली जान बचाई, अभी हमको यहां से निकलना पड़ेगा, उससे पहले गाइस मिलिट्री वाले आ जाए एंड यहां पर ना गाइस प्रॉब्लम ना हो जाए, उससे पहले हमको इधर से निकलना पड़ेगा। बट अभी पता नहीं यार ऐसे निकल पाएंगे, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गाइस सिगरेट आइड है ना, एंड इनको पता ही नहीं हम लोग प्रेसिडेंट है यार, मतलब एक्स प्रेसिडेंट है हम लोग यहाँ शहर के। बट अभी अभी भी मैं प्रेसिडेंट हूँ गाइस, बट अभी ना यार इतनी ज़्यादा क्राइम मेरे पे गाइस, आपको पता है मैं धोखे से प्रेसिडेंट बनाऊँ। भाई इसको भी ले ले भाई, तू भी ले ले भाई, चल भाई तू भी चल जा भाई, खत्म है भाई। अब तो मैं गाइस इनको तो मैं अब तो प्रेसिडेंट तो भाई भूल जाओ, प्रेसिडेंट भूल जाओ, अब तो मैं इनका भाई ना गवर्नमेंट वाला चपरासी तक ही बनने के लायक हूँ भी। तो यार फटाफट से ना इनके लिए मैं बस क्रिमिनल हूँ एंड डाउन हूँ भाई, बस खत्म है यार गाइस। एंड यहाँ पर ना गाइस खत्म करते हैं, एंड भाई पता नहीं किसने हमारी पोल खोली है एंड सारा डाटा किसने पुलिस को दिया है। भाई ये देख रहे हो भाई आ ही रहे भाई, भाई अभी भी देख रहे हो भाई आ ही रहे भाई, खतरनाक वाला सीन है यार बिल्कुल भी यार। ये देख रहे हो हेलीकॉप्टर भी आ चुका है भाई, ये लो भाई तुम उतर कैसे रहो भाई, यहाँ पर इतनी बड़ी दिख नहीं रही क्या प्रोटेक्शन। चलो यार भाई खतरनाक वाला सीन हो चुका है ना, अपनों को ना यार गाइस हमारी गैंग अभी चलो सपोर्ट कर रही है भाई। यहाँ पर एक ड्राइवर ने बोला है कि मेरे को ना यहाँ पर गाड़ी है बुलेट प्रूफ है भाई, उस पर ना फटाफट से बैठ जाओ एंड भाई सेफ लोकेशन पर चले जाओ भाई, एंड यहाँ पर ना हम लोग संभाल लेंगे, मतलब मेरी गैंग संभाल लेंगे। चलो हम लोग फ्रैंकलिन और ये बैठ के चले जाते हैं एंड वो लोग भी अंडरग्राउंड हो जाएंगे बाद में गाइस। चलो यार फटाफट से यहाँ से बैठ जाते हैं। अरे यार फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन और एक और बंदा आ रहा है हमारे साथ में, हम लोग स्टेट यहाँ से सेफ जगह पे चले जाते हैं एंड फटाफट से भाई वाटर प्रूफ सॉरी बुलेट प्रूफ कार है गाइस। एंड यहाँ पर ना गाइस अभी देखते हैं भाई हमारे पास कोई पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पर गाइस देख रहे हो फ्रैंकलिन, बहुत सही। एंड भाई यहाँ पर अभी पुलिस भाई सामने भाई आई भाई अपनी फायरिंग को करके भाई देख रहे हो ना भाई, सारे कॉमन लोग भी भाई यहाँ पर देख रहे हो भाई यहाँ पर फायरिंग कर रहा है भाई खतरनाक वाली। यहाँ पे फ्रैंकलिन भी भाई और मैं भी फायरिंग कर रहा हूँ अभी ना, पता फटाफट से ना मेरे गाइस कोई सेफ जगह जाना है, बट पता नहीं सेफ जगह कहीं मिलेंगे कि नहीं, मुझे लग नहीं रहा भाई कहीं मेरे को सेफ जगह मिलने वाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन भाई पता नहीं भाई। भाई मैं ही प्रेसिडेंट हूँ तुम्हारा भाई, मेरे को मार दो, चलो कोई बात नहीं, अपना फटाफट से इधर से निकल जाते एंड कहीं मेरे को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा भाई, कहीं ना मेरे को एक अंडरग्राउंड सीक्रेट जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर मेरे को पुलिस ना ढूंढ सके। तो भाई आई होप कि यहाँ पर गाइस मेरे को फ्रैंकलिन बोल रहा है कि यहाँ आगे से सीधा लेना है, ठीक है। चलो फ्रैंकलिन जो लोकेशन बोल रहा है भाई देखते हैं, वो सही बोल रहा है फ्रैंकलिन को पता है एक सीक्रेट जगह, वो बोल रहा है कि हमको ना भी अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड वाटर एक वहाँ पर एक एरिया है वहाँ पर जाना पड़ेगा एंड वहाँ पर ना भाई आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो वहाँ पर जाके देखते हैं एंड वहाँ पर ना कहीं ज़्यादा पुलिस वाले नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट है, मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा ही कम पुलिस। चलो कोई ना, अभी मेरे पुलिस मेरे पीछे पुलिस पड़ी है भाई, अभी भी गाइस देख रहे हो अभी कितनी ज़्यादा फायरिंग हो रही है ना भाई। अच्छा हुआ भाई, बढ़िया हुआ कि ड्राइवर ने ना गाइस यहाँ पे बुलेट प्रूफ कार लाई हमारे लिए, वरना अभी तक तो भाई हम लोग पकड़े जाते, हम लोग तो पहले ही पकड़े जाने वाले थे, बट यार गाइस ड्राइवर और उसकी गैंग ने ना हमारे गाइस जान बचा ली, वरना भाई हम लोग फ्रैंकलिन ने पहले मेरी जान को मुसीबत में डाल दिया FBI ऑफिसर को मार के। एंड भाई एंड स्कैम भाई देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो भाई क्या ही ठोक रहे हैं भाई, क्या ही मतलब पूरे शहर में दंगा मच गया भाई, पूरे शहर में ना भाई दंगा मच चुका है भाई, मतलब प्रेसिडेंट ही चोर निकला भाई, खत्म है भाई, मतलब मैं चोरी तो नहीं किया प्रेसिडेंट बन गया
इनको धोखाधड़ी से मैं बना हुई है तो मैं मानता हूँ, बट मैंने कोई ना प्रेसिडेंट बन के ना भाई कोई चोरी नहीं किया ना कोई एडवांटेज दिया भाई, बस डक्कन बॉस को हम लोग को ना गाइस मारना था एंड उसको पकड़ना था, वो इसीलिए हम लोग प्रेसिडेंट बने थे, वो भी गद्दारी करके प्रेसिडेंट बने थे। हमने माना है कि हमने कुछ कैंडिडेट्स को मारा था जो भी प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने वाले थे, उनका हमने गाइस मर्डर तो किया था। चलो यार गाइस, मतलब हमने नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाले किसी का मर्डर कर दिया, तो अब पे पता नहीं बहुत ज़्यादा ही खंधे वाले चार्जेस लगे। तो चलो कोई बात नहीं यार, हम लोग ने कुछ जो भी किया भी यार फाइनली हमको उसका भुगतना पड़ रहा है। एंड यहाँ पर ना हम लोग फ्रैंकलिन जो जो मेरे को लोकेशन दे रहा है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, एंड यार ये पुलिस वाले ना मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे यार, अभी लगता नहीं कि मेरा पीछा छोड़ने भाई, अभी फटाफट से ना भाई देख रहे हो मतलब मैं किधर भी जा रहा हूँ ना हर जगह पुलिस भाई पुलिस एंड नाकाबंदी भाई पूरे शहर में भाई। और यहाँ पर ना हमारे पास बुलेट प्रूफ कार है भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। चलो भाई यहाँ पर ना गाइस हमने इसी के साथ ना बहुत ज़्यादा ही लोग की जान ले ली है, एंड इधर से फटाफट से ना भाई इधर से के जाने का बोल रहा है मेरे को फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन बोल रहा है कि आप गलत जगह चले गए यार, पहले बोल रहे हैं। चलो भाई यहाँ पर ना फटाफट से स्ट्रेट जाने के लिए बोल रहा है भाई, देख रहे हो स्वाइट्स प्रोटेक्शन यार एक दिन के लिए मेरे को भाई, कुछ दिन के लिए मेरे को प्रोटेक्शन दे रहे थे यार, आज मेरे पे हमला कर रहे हैं, मतलब भाई कुछ मतलब क्या ही बोली, जब मेरे प्रेसिडेंट था ना भाई देख रहे हो, अभी मैं यहाँ पर गाइस माइकल के घर के मतलब इधर से जा रहा हूँ, बट प्रोटेक्शन थी यहाँ पर, अभी देख रहे हो भाई देख रहे हो, सब मेरा भी अपोजिशन हो चुके भाई, अभी ये मेरा सारा घर सीज कर देंगे एंड जितना भी मेरा मनी है ना भाई वो सारा लूट देंगे, एंड जितना भी मनी हमने गाइस टक्कन बॉल से चुराया था ना भाई मैंने वहाँ पर ही रखा हुआ, बट यार लग रहा है कि वो सारा का सारा मनी अभी मतलब सीज तो हो ही जाएगा। वो भाई क्या ही मजबूत गाड़ी है गाइस, मतलब भाई देख रहे हो भाई खतरनाक वाली गाड़ी लाया भाई ट्रेवर ने भाई, मॉडिफाइड कार है भाई बिल्कुल ही, मतलब देख रहे कुछ हो ही नहीं रहा भाई इसको, और भाई ये कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चलो यार फटाफट से ना गाइस भाई लोकेशन आने वाली है, फटाफट से हम लोग लोकेशन पे पहुंचने वाले, यार पता नहीं कौन सी लोकेशन दे रहा है ये फ्रैंकलिन भाई, फिर से जान भाई मेरी वो ना डाल दे भाई, मतलब समझ रहे हो भाई, मतलब पहले जान कोशिश में डाल दिया है एंड अभी फिर से ना भाई डेंजर में डाल देगा लाइफ को, बोल रहा है कि सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ भाई। चलो यार इतना स्ट्रेट स्ट्रेट जाके बोल रहा है, ये पुलिस वाले पीछे तक नहीं छोड़ रहे भाई, एंड ये फ्रैंकलिन भाई मेरे साथ ही बैठा है भाई, पता नहीं इसकी बात सुननी चाहिए कि नहीं, एंड देख लेते भाई फ्रैंकलिन यार अभी यार कुछ कर भाई, तू ही कुछ कर सकता है, ट्रेवर तो भाई खामोश बैठा है, ट्रेवर तो कुछ कर ही नहीं रहा भाई, ट्रेवर तो भाई अपने मौज मस्ती है, एंड भाई बोल रहे कि आने ही वाला है जस्ट लोकेशन भाई, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ एंड वहाँ से फटाफट से हम लोग बोट पे बैठ के जाएंगे भाई, पता नहीं भाई क्या बोल रहे हैं भाई, भाई बोट से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे यार, फिर भी यार उसकी इतनी कम स्पीड है यार, चलो फिर भी बोल रहे हैं कि चलो, एंड भाई बोट से जाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको बीच पे लेके आया ये लोग भाई, ये बोल रहा है कि अगर आप जब तक ना भाई रोड पे रहोगे तब तक वो अपने को जीपीएस ट्रैक लगा दिया है, मतलब समझ रहे हो, तो भाई फटाफट से हमको यहाँ पर ना कैसे अब बोट पे जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर बोट तो मेरे को नज़र नहीं आ रही है, फ्रैंकलिन बोल रहा है कि यहाँ पर ही होनी चाहिए बोट, चलो यार यहाँ पर कुछ बोट्स अवेलेबल है भाई, भाई सामने कैसा देख रहे हो गाड़ी का पूरा चपटा हो गया फिर भी गाड़ी चल गई। चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पर सारे के सारे ना कैसे बोट्स में बैठ जाते हैं फटाफट से, एंड फटाफट से यहाँ से निकल जाते भाई, चलो यार जल्दी जल्दी बैठो भाई यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो भाई, अलग अलग बोट में बैठ जाते यार भाई, मेरे बोट में बैठना है इनको भी यार, भाई जल्दी जल्दी चलो भाई यहाँ पर फायरिंग हो रही भाई, पुलिस वाले भाई देख रहे यार ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं, ड्राइवर देखो कितना टाइम लगा रहा है भाई, वो हेलीकॉप्टर तक आ गया यार, ये फ्रैंकलिन ने फिर से लग रहा है ना मेरे को प्रॉब्लम पे डाल दिया यार, फ्रैंकलिन भाई क्या करता है भाई, ये बोल रहा है कि यहाँ पर ना कहीं जीपीएस उनका काम नहीं करेगा भाई, वैसे पता नहीं कुछ बोल रहा है ये ऐसे, एंड इनका नेटवर्क काम नहीं करेगा ना, वो कोई मैसेज ना भाई आउट ऑफ सिटी सेंड नहीं कर पाए, पता नहीं ये मेरे कुछ नहीं पता क्या बोल रहा है फ्रैंकलिन, बट चलो देखते जाके आगे ना कहीं क्या सीन है भाई, एंड फटाफट से बोल रहा है कि मैं जो जो लोकेशन बोल रहा हूँ वहाँ पर चले जाओ, ठीक है यार चलो चलते हो, एंड वो हेलीकॉप्टर अभी मेरे को ट्रैक कर ही रहा है, उसका बोलना आई थिंक ये है कि कहीं जीपीएस ना यहाँ पर वाटर में काम नहीं करेगा, ज़्यादा वो लोकेशन ना सेंड नहीं कर पाएंगे, सो तो हम लोग यहाँ पर कम है तो उनको हम लोग मार के ना मतलब यहाँ पर जो पुलिस वाले इनको मार के ना फिर वो नेटवर्क सेट नहीं कर पाएंगे, मतलब जो भी मैसेज है, एंड फिर कुछ और कॉप्स हमारा पीछा ना कर पाएंगे, बट जो अभी अवेलेबल है जो फॉलो कर रहा है उनको हमको मारना है, तो भाई चलो देखते हैं इसका ये मिशन काम करता है कि नहीं, क्योंकि फ्रैंकलिन जब भी कुछ ना कुछ बोलता है ना यार भाई, मतलब सोच समझ के तो बोलता है बट रिस्क ज़्यादा ही होता है उस पर, तो यार फटाफट से रिस्क ले लेते हैं, पहले भाई मुसीबत में डाल दिया भाई, एंड यहाँ पर ना गाइस चलो यार हम लोग अभी वाटर में आ चुके हैं, एंड ये बोल रहा है कि अंडरग्राउंड वाला एरिया है, अंडरग्राउंड पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अंडरग्राउंड मतलब क्या है भाई, चलो कोई बात नहीं यहाँ पर ना एक खतरनाक वाली लोकेशन पे आ जाए भाई, यहाँ पर ज़्यादा ही बाढ़ आ रही है भाई खतरनाक वाली,
चलो फटाफट से ना गाइस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर गाइस लोकेशन भाई बता रहा है कि स्ट्रेट जाओ भाई फटाफट से, कितना स्ट्रेट जाए। यहाँ पर ना गाइस इनके पुलिस वाले बोर्ड्स तक मेरे को नजर आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि GPS ट्रैक नहीं करेगा। यार ये फ्रैंकलिन का कुछ करना पड़ेगा भाई, फ्रैंकलिन की बात नहीं सुनती सही थी भाई। अभी यहाँ पर ना भाई बोर्ड्स भी आ सकते यार, पुलिस वाले बोर्ड्स भी आ सकते भाई। ये इतने दूर तो मैं आ चुका हूँ यार गाइस, इतने दूर आ चुके ना भाई। एंड यहाँ पे पुलिस वाले मेरे को नजर तो नहीं आ रहे, वैसे पुलिस वाले नजर आ नहीं रहे, आ चुके भाई। ये देखो भाई सामने से आ गया हेलीकॉप्टर एंड वो बोल रहे कि एंड बोर्ड भी आ चुकी है एंड बोल रहे कि GPS ट्रैक नहीं करेगा भाई। ये क्या है भाई, फिर GPS ट्रैक नहीं कर रहा है, यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं। बट चलो इनको तो मार ही देते हैं, एंड फ्रैंकलिन बोल रहे कि इनको मार देते हैं एंड इसके बाद ना कोई भी नहीं आ पाएगा, तो इनको फटाफट से हम लोग को मारना है भाई। फटाफट से इनको मार देते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है कुछ कमी है तो भाई अच्छी बात है, वरना जब से रोड पे देना भाई इतना ज़्यादा पुलिस वाले भाई पूरा रोड ही भाई बनता भाई, मतलब पूरे शहर में भाई इतनी खतरनाक वाली डेंजरस वाली सिचुएशन हो चुकी है। चलो फटाफट थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और कैसे कितने ज़्यादा पुलिस वाले हमको नज़र नहीं आ रहे, बड़ी हेलीकॉप्टर को फोड़ना पड़ेगा कैसे भी करके कैसे हेलीकॉप्टर उसको। चलो यार बहुत सही बहुत ज़्यादा ही हम लोग दूर आ चुके हैं सिटी से एंड लग रहा है ना कैसे यहाँ पर अभी ज़्यादा पुलिस वाले हमको नहीं दिखते। चलो इसको भी फोड़ देता हूँ, इनका कोई लोकेशन नहीं जाए, GPS ट्रैक नहीं होना चाहिए, तो भाई सबको डिस्ट्रॉय कर देते भाई, और कर दे तू भी। चलो भाई इसको भी फोड़ दिया एंड मुझे लगता नहीं अभी कोई पुलिस वाले यहाँ पर ना गाइस हमको देखने वाले। चलो यार अभी ना सब कुछ क्लियर लग रहा है एंड जैसे जैसे फ्रैंकलिन ने बोला था ना भाई, अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कम पुलिस वाले भाई, इनको भी मार देता हूँ फटाफट भाई। चलो इनको भी मार देते, अभी मेरे को लगता नहीं यार और यहाँ पर ना पुलिस वाले आ चुके हैं एंड यहाँ पर ना गाइस फ्रैंकलिन का जो मिशन था चकमा देने वाला एंड वो सही काम कर चुका है। एंड भाई इधर मैं उतर जाता हूँ एंड फटाफट से देखते हैं, और भाई ये कोई तो फायरिंग कर रहा है अंदर बैठ, रुक जाओ इनको मारते भाई। अरे भाई हाथ में चाकू आ गया गलती से भाई, उसको दिख नहीं रहा भाई, वो फ्रैंकलिन पे अटैक कर रहा है, मैं जब से पहले उसको अंदर जाके ना मार देता। किधर है भाई, वो ढूंढ ही रहा है भाई, उसको दिख ही नहीं रहा क्या मैं इधर। चलो इधर से चले जाते हैं फटाफट से, ये ले भाई, भाई दिख ही नहीं रहा भाई, क्या पुलिस वाले बने भाई, गुंडे। चलो यहाँ पे ना गाइस सब कुछ खत्म है एंड मेरे को दूर दूर तक ना अभी ज़्यादा पुलिस वाले नज़र नहीं आ रहे हैं, लगता है भाई यहाँ पे सब कुछ क्लियर है एंड GPS उनका ना ट्रैक अभी नहीं होने वाला है। एंड बहुत सही गाइस यहाँ पर ना बहुत सही वाला सीन हो चुका है एंड फ्रैंकलिन ने जो बोला है ना, हमारे यहाँ पर बोट कहाँ चले गए भाई, मेरी बोट फ्रैंकलिन ने लेके तो नहीं चला गया, फ्रैंकलिन नज़र नहीं आ रहा है कहीं, ड्राइवर तो मेरे साथ में था भाई, यहाँ पर कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग भटक तो नहीं गए भाई, अभी तो मेरी बोट यहाँ पर ही थी यार। भाई पता नहीं कहीं बहुत ज़्यादा ही दूर चले गए क्या भाई, मेरी बोट इतनी दूर किसने लेके चले गए भाई, ये क्या कर रहा है फ्रैंकलिन यार, मतलब हद है भाई, मैं यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ एंड वो इतने दूर से फाइट कर रहा है एक तो एंड। चलो फटाफट से ना यहाँ पे हम लोग भाई, इतनी दूर भाई किसने भाई मतलब क्यों लेके चला गया भाई। तो यार अभी ना प्रॉब्लम ज़्यादा ही गाइस हो चुकी है, अभी हम लोग को ना यार सिटी से बाहर रहना पड़ेगा एंड भाई माइकल का भी चेहरा सबको पता ही है, मतलब प्रेसिडेंट है भाई। अभी तो यार गाइस कैसे भी करके ना सारे चार्जेस हमको हटाने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल है चार्जेस हटाना भाई, मतलब सारे कैंडिडेट को हमने मारा था। चलो फ्रैंकलिन तो इधर है एंड भाई ट्रेवर कहाँ चला गया, फ्रैंकलिन बोल रहा है ट्रेवर नहीं दिख रहा है भाई, मेरे पीछे था ट्रेवर भाई, कहाँ चला गया ट्रेवर भाई, बोट तो लेके नहीं दिख रही यार, बोट इतने दूर चले गए भाई कसम से भाई। भाई ये बोट ये बोल रहे हैं ना फ्रैंकलिन ऑटोमेटिक चले गए, मतलब वहाँ पे जितने भी वाटर वेव्स आ रहे हैं ना, वाटर वेव्स की वजह से दूर चले गए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा ये लेके चला गया। चलो यहाँ पे हम लोग बोट पे आ चुके हैं एंड फटाफट से ना बैठ जाते हैं एंड ट्रेवर हमको ना थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ट्रेवर पता नहीं कहीं गुम हो गया है गाइस। भाई ये एरिया ना गाइस बहुत ज़्यादा ही गाइस डेंजर वाला एरिया है इसका, फ्रैंकलिन का कहना है, मतलब यहाँ पर ना गाइस कुछ ज़्यादा ही गाइस मतलब डेंजर एरिया है, मतलब जान का भी खतरा हो सकता है क्योंकि ये एरिया में ज़्यादा गाइस कोई आता नहीं है, आता तो भी कहीं दिखता नहीं है, पता नहीं है कौन सा एरिया है भाई। यहाँ पर ट्रेवर दिख नहीं रहा हमें गाइस, ट्रेवर गुम हो चुका है एंड इधर चलो फ्रैंकलिन भी बैठ चुके हैं एंड चलो भाई यहाँ पर सारे के सारे ना आ चुके हैं एंड चलो भाई इधर से गाइस निकल जाते कई और देखते भाई क्या सीन है यहाँ पर, हमको अभी सिटी में जाना है, कहाँ जाना है
क्योंकि अभी हम लोग ना सिटी में जा नहीं सकते। अगर सिटी में चले गए भाई, ये रहा ट्रेवर, भाई ट्रेवर क्या कर रहा है भाई यहाँ पर, कैसे मजे ले रहा है ट्रेवर भाई, इतनी बड़ी मुसीबत में हम लोग अगर इसको मजे लेते। अरे बैठ जा भाई जल्दी से, वरना और पुलिस वाले आ सकते हैं सर, अगर उनके पास GPS तो ट्रैक यहाँ पे काम नहीं करता है, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, बट चलो ठीक है। हैंड भाई फटाफट से ना कर हमको गाइस, एक अभी शाम तो होने वाली है, फटाफट से ना हमें गाइस कोई एक लोकेशन मतलब सोने के लिए जाना पड़ेगा, तो फटाफट से इधर से हम लोग निकल जाते हैं यार। इसका ही अभी सेफ जगह कोई हिल एरिया लग रहा है मेरे को। चलो सामने से हम लोग कहीं ना कहीं फटाफट से कहीं लैंड कर लेते हैं। चलो फटाफट से ना यहाँ पर हम लोग को कहीं आगे जाना पड़ेगा, एंड आगे देखते हैं कौन सा एरिया, पहाड़ के थोड़ा सा ना आगे हम लोग जाएंगे जस्ट थोड़ा सा, एंड देखते हैं भाई कौन सा एरिया, ये एरिया पे हम लोग पहली बार ही आ रहे हैं, मतलब भाई ये एरिया मेरे कुछ सही नहीं लग रहा है भाई। चलो इसके आगे जाके देखता हूँ क्या सीन है भाई, पूरा पहाड़ी एरिया है भाई उसके आगे। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना मैं थोड़ा पहाड़ के आगे आया था, एंड यहाँ पर ना गाइस भाई एक माफिया है गाइस, अंडरग्राउंड माफिया भाई, अंडरग्राउंड वाटर ग्राउंड माफिया जो भी है ना भाई, वो हमें मिल चुका है भाई। पता नहीं भाई उसने हमें ना गाइस किडनैप कर दिया, मतलब बोल रहा है कि हाथ ऊपर कर दो भाई, वाटर ग्राउंड माफिया हमको मिल चुका है भाई। मतलब भाई ये वाटर ग्राउंड माफिया से मतलब ये इसलिए ये एरिया ना खतरनाक वाला बोल रहा था फ्रैंकलिन, यार ये फ्रैंकलिन ने कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया है, एंड देखते ही मेरे को क्या बोलता है। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना सारी बातचीत हो चुकी है, एंड ये बंदा बोल रहा है ना मेरे को भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, एंड ये भाई तुम, मैंने उसे बताया कि मैं डगन बॉस के लिए वो कर रहा था, एंड भाई सारी मैंने इसको स्टोरी बता दी, एंड ये बोल रहा है कि डगन बॉस मेरा भी फ्रेंड है, मतलब उसका एनिमी है, एंड उससे भी उसको बदला लेना है, एंड भाई आपकी हेल्प ले सकता हूँ, एंड भाई ये मेरे मजे ले रहा है अभी, एंड ये ना अभी मेरे मजे ले रहा है भाई, देख रहे हो भाई यहाँ पर ना गाइस वाटर ग्राउंड माफिया भाई, एंड ये बोल रहा है कि हम लोग ना पार्टनरशिप करके ना उसको हरा सकते हो। तो भाई ये उसने हमको भाई स्टार्टिंग में डरा दिया अरेस्ट करके, बट ये वाटर ग्राउंड माफिया है ना गाइस खतरनाक हो जाए। तो भाई हमने सारी बातचीत कर दी है, एंड भाई ये देख रहे हो भाई मजे ले रहा है सबके, एंड फटाफट से ना गाइस यहाँ पर चलो यार यहाँ पर ना गाइस डगन बॉस के हम लोग ना गाइस बदला लेने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई वो मेरे को एक मिशन देगा वो कल, एंड भाई वो वाला मिशन आपको करना है फिर ना भाई, मैं आपको मेरे टीम में मतलब डगन बॉस को देखने के लिए ठीक है ना, और मेरे गैंग के मेंबर्स भी आपको दूंगा। तो भाई इसने मेरे से बातचीत को मैंने कर दिया वैसे, तो पता नहीं भाई देखते यार क्या होता है, मुझे तो लगा ही मेरे को मार ही देंगे, क्योंकि यार वाटर ग्राउंड माफिया हमको मिल चुका है भाई, मतलब वाटर ग्राउंड के अंदर ही हम लोग अंडरग्राउंड होने के लिए आए थे यहाँ पर, बट हमें क्या पता ये एरिया वाटर ग्राउंड वाले का है। तो चलो यार यहाँ पर ना फटाफट से भाई देख ही ले रहे भाई क्या है भाई इधर देख रहे हो भाई। तो यार यहाँ पर ना कहीं से वाटर ग्राउंड वाले का एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसको ना कहीं जाना है अभी, तो यार गाइस ठीक है ना उसको कहीं जाना है, एंड उसने मेरे को कल लोकेशन पे बुलाया, एंड एक मिशन देगा, एंड फिर हम लोग डगन बॉस का काम करेंगे तमाम भाई। तो ऑल राइट गाइस, ये वीडियो आज तक यहाँ पे, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।